क्या आपने या तो अपने घर में या तो फिर किसी और के घर में या फिर अपने कोई रिश्तेदार के घर में ऐसा देखा है कि जब भी कोई छोटा बच्चा घर में आता है, इफ अ न्यू बॉर्न बेबी हैज जस्ट बिन डिलीवर्ड टू अ मदर, तो एक मसाज वाली मसाज करने के लिए कोई अलग से आता है, ठीक है, और वो उसको वो बाथरूम या किसी जगह पे ले जाके वो पैर पे रख के पूरा हाथ पैर ऐसे तेल से पूरी मालिश होती है. और व्हेन यू आर फैसिनेटेड बाय द होल प्रोसेस, समबडी कम्स एंड टेल यू, सो ये तो जनरेशन से चला आ रहा है, दिस इज वेरी गुड. एंड देन देयर वुड बी समवन फ्रॉम द यंगर जनरेशन हु वुड बी लाइक नो, बट इससे तो नहीं इतना फर्क पड़ता है एंड ऑल दैट. सो क्या आपने ये देखा है? सो इफ यू हैव सीन दिस, कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो. I am Dr. Purva and you are watching our channel Bones and Babies, where we discuss anything and everything related to pediatric and orthopedic issues and some content regarding our lifestyle and sustainability. So before going through the video, if हमने जो पहले डिस्कस किया ये आपने अगर देखा है, तो today's video is about solving this age-old debate between the older generation and the newer generations of the mothers that are coming, ki is oil massage good for the baby or not. Okay, so before beginning the discussion, if you are one of those followers ki nahi massage to karna hi chahiye, please write down in comment why do you think that should happen, and if you are a strong supporter ki massage to nahi hi karna chahiye, please write down in the comments below and let us know why, so we could have a better discussion. So let's begin our discussion. Now, oil massage is a healthy and scientifically proven process. It not only benefits the skin of the baby, but also helps in growth of the baby. तो पहले उसके benefits discuss करते हैं और फिर disadvantages. Now, benefits ये है कि आप skin पे एक और barrier बना रहे हो, ठीक है? Already आपकी ये जो skin है, उस पर अगर आप oil लगाओगे तो एक barrier बनेगा. Now, this barrier will help protect against a lot of things. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसमें थर्मो रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग नहीं होता है. थर्मो रेगुलेशन इज मेंटेनिंग खुद के बॉडी का टेम्परेचर, खुद के बॉडी का अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने को थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं. नाउ दैट प्रोसेस इज नॉट येट एज डेवलप्ड एज इट इज इन अस इन द न्यूबॉर्न बेबीज. सो वेन यू आर अप्लाइंग दैट ऑयल ऑन द स्किन, दैट विल हेल्प in maintaining the thermoregulation. That is the first thing. Second thing is that it will also help in promoting growth of the baby, especially agar baby preterm ho to. Preterm baby ho, uski skin itni patli hoti hai ki jo bhi oil hai usme fat content hota hai, to wo fat content wo skin se absorb hone ke chances hai. So I don't know, but if some any of you who are watching the video has had a preterm baby, आपको कुछ ऑयल्स दिए गए होंगे, समझाए गए होंगे कि जो आप अपने बेबी के उस पर लगा सकते हो. तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट. सो दिस आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाई ऑयल एप्लीकेशन इज गुड फॉर योर बेबी. अगर आपने ध्यान से सुना हो, मैंने बोला ऑयल एप्लीकेशन एंड नॉट विगरस मसाज. नाउ दिस इज वेयर द इम्पॉर्टेंट पार्ट कम्स, जिसके वजह से डिबेट हो रही है. यूजली जो पहले से चली आ रही जो रीत है, जिसमें मसाज कोई बाहर से आके करता है, घर के फैमिली मेम्बर्स नहीं करते हैं, उसमें एक फ्लॉ है. पहले के ज़माने में शायद अलग तरीके से होता होगा, बट सिंस इट इज़ गोइंग थ्रू द जनरेशंस, वो डेफिनेटली वो मेथड चेंज हो गया हो ऐसा लगता है. सो वो जो विगरस मसाजिंग होता है, इट इज़ नॉट गुड फॉर द बेबी. आपके बेबी के बोन्स, मसल्स, स्किन, ब्रेन कुछ भी इतना अभी पूरा एडल्ट जितना डेवलप नहीं हुआ है, वो डेवलप हो रहा है. उसको एक टेंडर केयर, एक टेंडर अप्रोच चाहिए, ना कि विगरस मसाज जो पूरा हाथ को ऊपर नीचे, पैर को ऊपर नीचे, मुंह को ऐसे, दैट इज नॉट नीडेड. हैवी हैंडेड से मसाज नॉट नीडेड, वो ज़रूरत नहीं है, वो हार्म ज़्यादा करता है बेनिफिट से, ठीक है. So that should be avoided. The best thing is कि family में से ही कोई उसका massage करे, ठीक है. And the best person to do it is mother. क्यों?
क्योंकि वो आप वैसे भी उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे होंगे अभी तभी के टाइम पे, 2 times a day, अगर सुबह और शाम को, इफ यू आर विथ मॉडरेट प्रेशर, विथ सॉफ्ट हैंड्स, इफ यू आर अप्लाइंग ऑयल उसके शरीर पे, उसके हाथ पैर पेट पे, ठीक है, तो और हल्के से मसाज कर रहे होते हैं, देन दैट इज द बेस्ट थिंग. अब इसका प्रोसीजर क्या है, टेक लाइट ऑयल, उस पर अप्लाई करो बेबी पे, ठीक है, टेक हिज और हर हैंड, हैंड को, इसको फ्लेक्शन बोलते हैं, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, धीरे धीरे थोड़े से ही प्रेशर के साथ, पूरा ऐसा ऐसा नहीं कर देना है आपको, इसको करना है 10 से 15 बार. सेम चीज उसके पैरों के साथ रिपीट करनी है, ठीक है, सिर पे लगा सकते हो, फेस पे मत लगाओ. दैट इज द करेक्ट वे टू अप्रोच व्हाइल यू आर मसाजिंग अ न्यूबॉर्न बेबी. सो दैट इज हाउ यू शुड अप्रोच. अभी इतना सब तो डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर क्वेरी आएगी कि तेल कौन सा यूज करना है. नाउ अ लॉट ऑफ टाइम वी सी कि सबके अंदर अलग अलग तेल का वो यूज लिखा होता है कि नहीं, नेचुरली यूज करो, हमने खुद बनाया है वो यूज करो, सिंथेटिक ही यूज करो, वो नहीं बराबर होगा. नाउ लेट्स एंड दिस डिबेट फॉर वंस एंड ऑल. द बेस्ट ऑयल टू यूज इज कोकोनट ऑयल, सैफ्लावर ऑयल और सनफ्लावर ऑयल. दिस थ्री आर यूजली गिविंग द बेस्ट रिजल्ट, क्योंकि वो इतना गाढ़ा भी नहीं होता है, सो वो थिक फिल्म भी नहीं बनाता है. बहुत थिक अगर फिल्म बन जाए तो उसमें बैक्टीरियल बायोफिल्म बनने के चांसेस रहते हैं. मतलब क्या, जो बैक्टीरिया होते, जो कीटाणु होते, वो उसमें ट्रैप हो जाने के चांसेस रहते हैं, उससे भी इन्फेक्शन या डर्मेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्किन रैशेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ये चीज़ खास ध्यान रखनी है. नेचुरल और सिंथेटिक की डिबेट में द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से कि कोई भी ऑयल अगर आप यूज करो, वो एक केमिकल कंपाउंड ही है, वो नेचुरल हो या सिंथेटिक हो. ट्राई एंड यूज द 3 oils विच आई रिकमेंडेड. अदर देन दैट, अभी बिकॉज एडवर्टाइजिंग एंड दे आर पुशिंग यू टूवर्ड्स ऑल नेचुरल एंड एवरीथिंग, उसमें कैम्फर और वो सब भी यूज करते हैं. अ लॉट ऑफ नेचुरल लोशंस और ऑयल प्रोडक्ट्स फॉर मसाज ऑफ द बेबी वी हैव सीन हैज कैम्फर एंड अदर प्रोडक्ट्स इन दैट. नाउ उसकी क्वान्टिटी भी क्या यूज हुई है, कितनी यूज हुई है, इज ऑल इम्पॉर्टेंट. सो माई थिंग इज कि सबसे सीधा और सरल उपाय है, जो कोकोनट ऑयल हम सिर पे लगाते हैं हमारे लिए, दैट इज द बेस्ट वे टू यूज, ठीक है, उससे वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं, कोई इश्यू यूजली नहीं आता है. नाउ देर इज ऑलवेज अ चांस योर चाइल्ड रेयरली माइट बी एलर्जिक टू दिस ऑयल्स ऑल्सो, तो अवॉइड यूजिंग इट, इतना जरूरी भी नहीं है. नाउ दिस आर सम बेसिक पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू टेक केयर ऑफ. अभी बात आती है सरसों के तेल की, मस्टर्ड ऑयल, विच वी सी यूजली कि कभी भी जाओ आप, हम पोस्टनेटल राउंड में भी जाते हैं, बच्चे को देखने के डिलीवरी के बाद भी जाते हैं, यूजली दे प्रीफर सरसों का तेल कि नहीं वो गाढ़ा है, वो सबसे बेहतर है एंड ऑल दैट. तो मस्टर्ड ऑयल यूजुअली कॉजेज डर्मेटाइटिस इन अ लॉट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज, वो उनको इतना रास नहीं आता है. सो अवॉइड यूजिंग मस्टर्ड ऑयल, यूज द लाइटर ऑयल्स विच आई टॉक्ड अबाउट बिफोर. एंड सो येस, टू सॉल्व द डिबेट जो हमने चालू की थी, ऑयल मसाज इज गुड फॉर द बेबी, बट ओनली इफ डन करेक्टली विद करेक्ट प्रोसीजर एंड बाई सम फैमिली मेम्बर, एस्पेशली मदर. तो थोड़ा ओल्डर जनरेशन भी करेक्ट है, थोड़ा न्यूअर जनरेशन भी करेक्ट है, सो वी आर समवेयर इन द मिडल. सो दैट्स द वीडियो गाइज. सो आई होप यू गॉट योर आंसर फॉर द होल क्वेश्चन एंड यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.